आइए देखते हैं डीवी टीवी न्यूज। कमिंग सर थोड़ा इधर आइए, बराबर है। थोड़ा पीछे जाओ सब, थोड़ा पीछे आ जाओ मैडम सामने। होने भाई एक सेकंड साहब, एक सेकंड वेट वेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई, आज का जो प्रोग्राम है आज ऑनलाइन किया गया है। आज ही हजरात जो हज को जाने वाले हैं 2020 में जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, और ख़ासतौर से इस प्रोग्राम में हमारे चेयरमैन साहब यकीनन हमेशा हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं, और हज हाजियों की खिदमत करना हमारे लिए बहुत अफजल है। होते तो बहुत मिलते हैं, मगर हज कमेटी के चेयरमैन बनना उसी को नसीब होता है जिसको अल्लाह ताला खिदमत करने का मौका देता है। हमारे मिराज हुसैन साहब जो मुकामी हमारे नामपली के MLA साहब हैं, हमारे सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारे आरिफ साहब जो मेंबर है और दिगर मेंबर हैं, रबीउल्लाह साहब जो खासतौर से हज कमेटी के इंतजाम देख रहे हैं, वही सेक्रेटरी है यहाँ पर, रेजिडेंसी स्कूल भी देखते हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सीओ साहब और मेरे तमाम मीडिया के भाइयों। यकीनन तेलंगाना स्टेट में हमेशा की तरह बहुत अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। जितने लोग सेंट्रल से आते हैं वो जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि सबसे अच्छा इंडिया में इंतजाम किए जाते हैं तो हैदराबाद में इंतजाम किए। और दो दिन पहले मसीउल्लाह साहब भी आए थे, तो मैं खुद भी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर साहब से बात किया था और उनसे कहा था कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहूलत चाहिए। और हम पिछले साल जो लोग नहीं जा सके जो पैसे भरने के बाद, अगर उनको मौका दिया भी जाए तो बेहतर है, पर उन्होंने कहा कि इस मतलब हाजियों की तादाद काफ़ी कम है पिछले साल के बनस्बत। अगर हम उनकी एप्लीकेशन लेंगे तो कुछ लोग नहीं जाएंगे तो शायद नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए पिछले जो लोग एप्लीकेशन देंगे जो लोग वो लोग भी जो साबिरा नहीं गए वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनमें जिसका भी ड्रा होगा उनके खिदमत से होगा। और इस मरतबा हज की हज को जाने वालों के लिए रकम का तो अभी तय नहीं हुआ है, मगर जो उनका पीरियड है वो 35 डेज मुकम्मल रखा गया है, और जो अमाउंट के बारे में भी अभी कोई खुलासा नहीं आया है, मगर हुकूमत तेलंगाना यही चाहती है कि हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत हो सके, कम से कम पैसों में हज कर सकें। और इस मरतबा हमेशा इससे पहले 5 मेंबर का लिफाफा लिया जाता था, इस मरतबा वो 3 मेंबर कर दिए, और एज की भी लिमिट लगाई गई। जो लोग 18 साल से कम उम्र है और 65 साल से ज़्यादा है उनका एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है हमारे पास कि जो नौजवान रहते हैं उनके साथ बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, मुझे दुख भी है इस बात का, अफसोस भी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है 65 साल के बाद, तो हमारे जितने हाजी जाते हैं हम हमेशा रुख्सत करते हैं और रिसीव करते हैं, तो देखते हैं ज़्यादातर 65, 70, 78, 80 साल तक भी लोग रहते हैं। मैं इसी मरता हूँ 65 साल से ज़्यादा लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए 65 साल से जो उम्र कम है और 18 से ज़्यादा वही लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। और आंध्रा और तेलंगाना मिला गया एम्बार्केशन पॉइंट यहीं रखा गया, एम्बार्केशन पॉइंट, और हमारे यहाँ से लोग जाएंगे एयरपोर्ट से, उन्होंने यही कहा कि हम हैदराबाद का खास ख्याल रखते हैं। हमारे मुख्तार अब्बास अफवी साहब ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम हैदराबाद का बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हैदराबाद में जितने अच्छे इंतजाम होते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब भी आए थे पर जब भी बोला हमारे चेयरमैन साहब है जितना हो सके हमारे हाजियों को जो वहाँ पर अकोमोडेशन का है, अभी शायद ये ग्रुप वाइज तो नहीं दे रहे, एक ही जगह का अजीज या का ही दे रहे हैं अभी, चूँकि वहाँ पर भी कोरोना का काफ़ी खौफ है और अभी लोगों में भी ये बात आ रही है कोई सिगरेट करता है कोई आगे धक्स करता है, तो जितना हो सके हमारे भाइयों बहनों से गुजारिश है एहतियात करना ज़रूरी है। यहाँ पर जितना कोरोना का जितना डर था, कोरोना तो ज़रूर आया पर उतना इफेक्ट नहीं हुआ, पर काफ़ी हमारे भाई बहन इसमें कोरोना में शहीद हो गए, हमें बहुत दुख है, मगर फिर भी हम कोरोना से जितना हो सके एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम भाइयों से खासतौर से मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, ये जो लोग भी मास्क लगा रहे हैं बहुत कम तादाद में लगा रहे हैं, दावतों में देख रहा हूँ मैं, एक आदमी कल मैं एक दावत में गया था तो 9 शाह एक लगाए हुए थे
और उसके बाद दूसरा महिला का होता, बाकी पूरे कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो खासतौर से प्रोटेक्शन में फोन पे बोल दिया था, जब रुका दिए बोला नौजा को जरूर लगाइए, तो मैं आरो बोल के नौजा को लगा देते। मैं बोला एहतियात कर रहा था, इसलिए हाजी भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि आपकी सेहत अच्छी रखिए, ताकि जाने से पहले जो भी वैक्सीन लीजिए, और हो सकता है और भी टेस्ट जरूरत रही तो क्या सऊदी अरब के जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको फॉलो करेंगे, और जो जो हजरात चल अप्लीकेशन दे रहे दीजिए, जिसका भी नाम सेलेक्ट होगा उनको दिल की गर्व से निभा रखा। मेरा सवाल सबको एप्लीकेशन के लिए दिया गया है इस साल तकरीबन चीज़ों में आप देख सकते हैं, खासकर कोटे में भी जो तो 5,000 का जो था उसको आधा कर लिया जाएगा, और जो दिन जो 45 डेज रहते थे उसको भी 30 से 35 दिन का दिया गया है, और ख़ासकर एज में आप एबो 18 ईयर्स के नहीं जा सकते, बिलो 65 ईयर्स एंड एबो 18 ईयर्स का आदमी हज के लिए एप्लीकेबल है। और आज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने का, सिर्फ और सिर्फ हज कमेटी की जानिब से एक ही है वाहिद तेलंगाना में, जो कि हज हाउस में, जो कि पूरा स्टाफ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ रहकर उन लोगों को मदद करता है, और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करके देने की जिम्मेदारी हमारी है। और आपको जितने भी एप्लीकेंट्स हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उनके ही बैंक अकाउंट से उनका अकाउंट में दिया जाएगा रकम दी जाएगी, भले ही क्या उनके रिश्तेदार इवन अगर उनके फर्जन भी है या बेटे हैं कोई फैमिली मेम्बर्स भी है तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये 10 दिसंबर तक अभी टाइम है, आप लोग अपने अपने बैंक अकाउंट खुलाई कर उसके अंदर आप आकर अप्लाई करिए। कहते थे कवर में, ये साल सिर्फ 3 आदमी का कवर दिया गया है। आईटी रिटर्न्स का भी एक इस मरतबा कुछ आईटी रिटर्न्स का अभी हमारे तक कोई कन्फ्यूजन अभी नहीं हुए ना, इतना दिया गया है पैन नंबर उनका जरूरी है। पहले वाले जो किराए से थे वो लोग किराया नहीं देंगे, उन्होंने निकल के चले गए बगैर उसके। अनमोल डाल देंगे आप लोगों को चाय पीने की जरूरत तो पूरा इंतजाम किया जाएगा, और आज उनका भी किया जाएगा। अनमोल ने तो अनमोल नहीं डाल देंगे, कर देंगे, करा देंगे। History created by Shaheen Group of Institutions. Karthik Reddy has secured All India Rank 9 and is the first rank holder in Karnataka State NEET 2020 results. Mohammad Arbaaz Ahmed has secured All India Rank 85 and is the third topper in Karnataka State. Shaheen Group has achieved exponential results in NEET exams. We are expecting 400 plus free government medical seats from Bidar campus only in NEET 2020. Admissions are open for long-term NEET repeater course 2021 batch at Shaheen Junior College, Charminar. Our academy are also at Malakpet and Aramgarh. Hurry up, limited seats available.